नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.ucc.uk.government.in पर जा सकते हैं। यह 4 खंडों में उपलब्ध हैं। 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसी बीच सीएम धामी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाले जाम के समय बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। देहरादून थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में पार्टनर बनाने का झांसा देकर दिल्ली के एक बिल्डर ने पीड़ित से करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित द्वारा कोर्ट की शरण लेने के बाद कोर्ट के आदेश पर थाना राजपुर में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों के घुसने की सूचना मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। पार्क प्रशासन को सूत्रों से सूचना मिली है कि शिकारी घुसने के फिराक में हैं। इस सूचना के बाद वन और वन जीवों की सुरक्षा में लगे वन कर्मियों ने गश्त बढ़ा दी है। साथ ही सभी बॉर्डरों पर सघन चेकिंग के साथ बारीकी से नजर रखी जा रही है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मार्ग भूस्खलन से जोगीधारा के पास बाधित था। हाईवे पर कई वाहन और यात्री फंसे हुए थे। वहीं मार्ग पर आवाजाही शुरू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। काशीपुर में एक डंपर अनियंत्रित होकर बहल्ला नदी में जा गिरा। हादसे में चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसके बाद चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी मिल गई है। हेमंती नंदन गढ़वाल विवि परिसर में छात्र लंबे समय से मांगों को लेकर मुखर हैं। हेमंती नंदन गढ़वाल विवि प्रशासन ने कई मांगों पर विचार करते हुए कुछ फैसलों को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसमें फीस बढ़ोतरी भी शामिल है। देहरादून विकास नगर के सहसपुर में 9 साल पहले 2 आशिकों के लिए पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला के दोनों आशिकों को भी आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पत्नी ने अपने दोनों आशिकों के साथ मिलकर पति की हत्या करके शव शक्ति नहर में फेंक दिया था। ऋषिकेश में धड़ल्ले से शराब तस्करी चल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता की सूचना पर पुलिस ने शराब तस्करी में लगा पिकअप वाहन बरामद किया है। लावारिस खड़े इस पिकअप वाहन में से शराब की 6,000 से ज्यादा बोतलें मिली है। कोविड में अनाथ 5,747 बच्चों को 4 महीने से रुकी आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने DBT के माध्यम से 6,95,73,000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। मंत्री ने कहा कि बच्चों की बुआ हमेशा उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।